से रिज्यूम हो जाएगी और वापस हमें 525 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो 450 के स्टॉप लॉस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बने रहा जा सकता है। ओके okay. संदीप है हमारे साथ नासिक से। संदीप जी नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। हेलो, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ सर, मैंने डिक्सॉन का लिया है 10 शेयर, तो 42 के इस पे, तो होल्ड करूँ या अभी सेल करूँ? डिक्सन टेक 4200 क्या पे खरीदा रही है, तो अभी तो मुनाफा अच्छा हो रहा है, आपको लेना चाहिए। माइनस प्रॉफिट 5112 के लेवल्स पर क्लोजिंग हुई डिक्सन की, इनकी 4200 की खरीदारी है। देखिए मैं आपको बताऊं कि यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत एक की सपोर्ट है 4700 का। जब तक 4700 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, कोई बहुत बड़ी वीकनेस चार्ट पर नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन अगर वो जो स्तर है मैंने 4700 का बताया, अगर वो लेवल टूट जाते हैं, उसके नीचे चला जाए स्टॉक, तब अपनी पोजीशन से डेफिनेटली निकल जाइए। जहां तक बात ऊपर की है, मेरा समझना है कि जब 5500 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो स्टॉक में फिर से स्ट्रेंथ बन जाएगी और शायद हमें वापस 6200 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो 4700 के स्टॉप लॉस से डिक्सन में बने रहा जा सकता है। ठीक है, तो आप होल्ड कर दीजिए डिक्सन को, यही फिलहाल सजेशन है आपके लिए, और आप रखिए। क्विकली एक सवाल और ले लेते हैं। खालिद है हमारे साथ मेरठ से। खालिद नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ जी मैम, मेरे को मालूम करना था, मेरे पास टाटा पावर के 450 शेयर्स हैं और ये मैंने परचेज किया था 227 पर। ओके, और भी कोई स्टॉक है आपके पास? हाँ जी, इंडियन होटल्स 150 शेयर लिया था 192 पर शेयर के हिसाब से। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? शॉर्ट टर्म के हिसाब से दोनों स्टॉक्स लिए हैं, इंडियन होटल 192 और टाटा पावर 227। तो पूछ लेते हैं मानस से, क्योंकि दोनों स्टॉक्स, इंडियन होटल खास तौर से आपके भाव से 5 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत नीचे तो नहीं है बाइंग के, और ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन टाटा पावर में भी है। मानस, शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या व्यू रहेगा दोनों स्टॉक्स में? सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस, इनको बताइए कहाँ रखना है, और अगर जी जी होल्ड करें तो कितना समय इनको देना पड़ सकता है? देखिए टाटा पावर में कुछ साइन देखने को मिले हैं रिवर्सल के। स्टॉक अपने 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया, उसके नीचे ट्रेड करने लगा है, तो अब आपको कॉशियस हो जाना चाहिए। 213 रुपए के लेवल ब्रीच हो जाए, उसके नीचे स्टॉक फिसले, तो अपनी पोजीशन से निकल जाए। ऊपर की जहां तक बात है, 230-235 के स्तर ब्रेक होंगे तो रैली फिर से रिज्यूम हो जाएगी और 260 तक के स्तर आपको देखने को मिलेंगे। तो 213 के स्टॉप लॉस से आप टाटा पावर में बने रहिए। और इंडियन होटल में भी देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने करेक्शन के बाद अपने 100-डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया था और बाउंड बैक देखने को मिला, लेकिन अब फिर से आपको कॉशियस होना है क्योंकि स्टॉक टिक नहीं पा रहा है 20-डे और 50-डे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो 179 की स्टॉप लॉस से इंडियन होटल में बने रहिए, लेकिन अगर रिवर्सल देखने को मिले और 195 और 198 के लेवल्स ब्रीच हो जाए तब आप बने रह सकते हैं, क्योंकि उसके इसमें वापस हमें 210 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये व्यू है आपका इंडियन होटल पर, जहां पर आप होल्ड कर सके चल सकते हैं। जितेंद्र झा है हमारे साथ दिल्ली से। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरे पास BSE के शेयर्स हैं 1506 पे, 280 शेयर्स हैं मेरे पास, जिनमें से हाफ ऑफ द शेयर्स मैंने आज सेल किए हैं। ओके मैं जानना चाहता हूँ नेक्स्ट लेवल कौन सा हो सकता है जिसमें मैं ऐड कर सकूँ, क्योंकि मार्केट काफी अभी वोलेटाइल हो रखा है। तो मैंने पार्शियल प्रॉफिट अपना बुक करने का सोचा आज, बट मैं इसको फिर ऐड भी करना चाहता हूँ, तो कौन सा लेवल हो सकता है जिसमें मैं BSE में ऐड कर सकूँ? ठीक है, ठीक है। बाई स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि अगर आप प्रॉफिट्स में हैं, मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ है, तो थोड़ा मुनाफा ले सकते हैं और बाकी पोजीशन होल्ड करें। मानस, आपने सुना इनका पूरा सवाल। अब सवाल इनका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये BSE को और ऐड करना चाहते हैं, तो बेस्ट लेवल कौन सा रहेगा एंट्री लेने का इस स्टॉक में? देखिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो नीचे के लेवल का इंतजार करिए। जब स्टॉक अपने करेक्ट होकर अपने 20-डे मूविंग एवरेज की तरफ आने की कोशिश करे और वहां पर आपको स्ट्रेंथ दिखने लगे, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले जो कि 1620 के आसपास है, तब
तब आप वहां पर ऐड करिए, क्योंकि देखिए लॉन्ग टू मीडियम टर्म ट्रेंड तो अभी भी बहुत पॉजिटिव लगता है, और मेरा तो समझना यह है कि अगर थोड़ा समय दिया जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो स्टॉक है वो शायद आपको 2200-2300 के भाव भी दिखा सकता है। इसलिए करेक्शन देखने को मिले 1600 रुपए के आसपास फिर से खरीदारी करिएगा, लेकिन उस केस में 1400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखना ना भूलें। ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए स्टॉक पर, और 1848 के आसपास स्टॉक की आज हुई है क्लोजिंग। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। मानस हमारे साथ मौजूद हैं, आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, मानस है हमारे साथ मौजूद आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, और कुछ सवाल और ले लेते हैं। आशीष पटेल राजकोट से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशीष जी गुड इवनिंग, बताइए आपने कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है? गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास JSL के 245 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 150। मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है तो इसमें बने रहना चाहिए कि अभी निकलना चाहिए, क्योंकि अभी मेटल डाउन है तो ये भी डाउन आया है, अभी बने रहना चाहिए कि? ठीक है, पूछ लेते हैं मानस से। मानस 150 की खरीदारी, 160 पर हो रहा है ट्रेड, लेकिन हाँ बाजार की मुनाव वसूली में अपने ऊपरी स्तरों से स्टॉक नीचे आया है। अच्छी बात यह कि इनके भाव से अभी भी 10 रुपए ऊपर है, तो ये मुनाफा लेकर निकलना है या रखना है ये स्टॉक? देखिए मैं तो समझता हूँ कि जैसा इन्होंने अभी मेंशन किया कि लॉन्ग टर्म का निवेश है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल बनी रही है। बहुत पॉजिटिव चार्ट है लॉन्ग टर्म पे, और ऐसा लगता है कि शायद 240 तक के स्तर आपको आने वाले 8 से 10 मंथ में देखने को मिलेंगे, तो ये गिरावट एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 130 के स्टॉप लॉस से बने रही है स्टॉक में, 130 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए और रखिए इस स्टॉक को, निकलने की जरूरत नहीं है, ये मानस का व्यू है। चलिए सवाल इतने करेंगे शामिल, कोई क्लोजिंग कॉमेंट मानस आपकी ओर से? दीपाली जी जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई इसमें किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट यही एडवाइस अपने क्लाइंट को दी हुई हो सकती है तो उनके पास जरूर पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया आपका सभी स्टॉक्स पर अपने व्यू देने के लिए और शो में आने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर फेसबुक यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।